दोस्तों आज की रेसिपी बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं टेंगी चिकन मील। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, इसे आपने एक बार खाया तो आपका बार बार खाने का मन करेगा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरवी अंजू। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसे हम झटपट से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया हुआ है और इसमें मैं आधे चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन के बाद इसमें मैं आधा चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। अब आधे चम्मच के करीब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। साथ ही में इसमें 3 से 4 चम्मच सोया सॉस मिला रही हूँ और इसको डालने के बाद इसमें 2 चम्मच हम विनेगर डाल देंगे। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से मिला लेते हैं। सारी सामग्री मिला लेने के बाद इसमें मैं आधे चम्मच काली मिर्च पाउडर डालूंगी और साथ ही में इसमें स्वादानुसार नमक जाएगा, ये देखिए। और फिर से हम सारी सामग्री को अच्छे से मिलाएंगे। सारी सामग्री मिला लेने के बाद एक अंडा लेंगे, उसे अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद अंडे को इसमें डाल देंगे। अंडा डालने के बाद इसमें 2 चम्मच मैदा डाल देंगे। मैदे के साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह पर आप अरारोट का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम सारी सामग्री को बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमें बिल्कुल ऐसा ही चिकन का बैटर चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं। सारी सामग्री अच्छे से मिला लेने के बाद इसे हम 30 मिनट के लिए ढक कर साइड में रख देंगे। जब तक हमने चिकन को साइड में रखा है तो चलिए अब इधर हम चिकन बेस बना लेते हैं। चिकन बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया हुआ है। अब इसमें मैं आधे चम्मच के करीब नमक डाल दूंगी और उसके बाद इसमें मैं एक अंडा फेंट रही हूँ जिसे हम इसमें डाल देंगे। अंडे के बाद इसमें मैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी और अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीजों को मिलाते हुए 1 चम्मच इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ और इसे भी हम सारी चीजों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिल जाने के बाद पानी की सहायता से इसका हम एक टाइट डो बना लेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाएं इसे अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें, जिससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इधर हमारा डो भी तैयार हो गया है। अब इसे हम सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट साइड में रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, चिकन के 30 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका कितना बढ़िया बैटर बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। इधर मैंने एक पैन लिया हुआ है जिसमें मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा हुआ है। तेल गर्म हो गया है तो चलिए इसमें हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन की सारी पीसे धीरे धीरे करके इसमें हम डाल देंगे और अब इसे हम दोनों तरफ अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे जिससे चिकन चारों तरफ करारा और क्रिस्पी फ्राई हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमें बिल्कुल ऐसा ही चिकन फ्राई करना है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। चिकन की पीसेस हमने काफी बड़ी बड़ी फ्राई करी थी, अभी हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही आपने जितना छोटा चाहिए आप उतनी छोटी पीसेस कर सकते हैं। हमने सारी पीसेस को कट कर लिया है। तो चलिए अब इस टेंगी चिकन की अगली टेंगी प्रोसेस शुरू करते हैं। इधर मैंने एक पैन लिया हुआ है जिसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला हुआ है और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखा हुआ है। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हमने बिल्कुल ऐसा ही कट करना है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं। अब इसके बाद इसमें 5 से 6 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च के बीच में मैंने चीरा लगा दिया है, ऐसे ही लंबे में इसे हम इसमें डालेंगे। इसके बाद 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे। प्याज और मिर्च फ्राई हो चुका है तो चलिए अब इसमें हम चिकन डाल देते हैं। चिकन डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। इसमें अब हम नमक डालेंगे। नमक डालने में हमें बहुत ही सावधानी रखनी है क्योंकि हमने चिकन में पहले से ही नमक डाल रखा है। और साथ ही में इसमें अब हम आधा चम्मच काली मिर्च और 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से हम मिला लेते हैं। सारी चीजें अच्छे से मिलाने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे।
और फिर से हम सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों, मेरी माने तो इसको आप एक बार जरूर ट्राई करें। इधर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, इसमें मैं 1/2 कप पानी मिलाऊंगी। कॉर्नफ्लोर को पानी में अच्छे से घोल लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने हाई पर कर दिया है और अब इसमें कॉर्नफ्लोर के घोल को डाल देंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीजें मिक्स करते समय गैस की फ्लेम को स्लो पर रखेंगे। इसमें अब हम 2 से 3 कप के करीब पानी डालेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। ये सारी प्रोसेस हमें गैस की स्लो फ्लेम पे करनी है। ऐसे ही इसे 1 मिनट तक चलाते हुए हम पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, टैंगी चिकन हमारा पक चुका है। अब चलिए इसका हम बेस तैयार कर लेते हैं। इधर बेस के लिए आटा सेट हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे पराठे तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो सिंपल पराठा बना सकते हैं या फिर लच्छा पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं इसके लिए लच्छा पराठा बना रही हूँ। लच्छा पराठा मैंने पहले से ही बना रखा है। उसको सेकने के लिए पैन में यहाँ पर ऑयलिंग कर रही हूँ। जैसे ही तवा गर्म हो जाता है, हम पराठे को सेकने के लिए इस पे डाल देंगे। हमने इतने ही छोटे छोटे पराठे तैयार कर लेने हैं। हम पराठे के दोनों तरफ अच्छे से ऑयलिंग करेंगे और दोनों तरफ इसे पलट कर हम अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया पराठा बनके तैयार हुआ है। पराठा हमारा पक चुका है, तो चलिए अभी से हम अच्छे से सर्व कर लेते हैं। जो हमने पराठा बनाया था उसके ऊपर ही हम चिकन को सर्व करेंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टाटा।